हेलो दोस्तों, चली मोड में आपका स्वागत है। बिहार सब इंस्पेक्टर तथा बिहार पुलिस के लिए हम लोग डेली प्रातः सुबह में टेस्ट देखते हैं। विज्ञान से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आज ये टेस्ट 3 है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है कि बिडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है, और सभी लोगों को अपने कॉमेंट में बताना होता है कि कितने स्कोर किए। तो बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है ये आपको बताना है। ये जो होता है ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसके लिए? टाइफाइड के लिए, इसकी संभावना के लिए। टाइफाइड मुख्यतः देखिएगा कि दूषित पानी पीने से होता है, ठीक। और जो एक एलिशा टेस्ट होता है, एलिशा जो टेस्ट होता है ये किसके लिए किया जाता है? तो एड्स जांच के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। तो जो ऑन्कोलॉजी में अध्ययन किया जाता है ये कैंसर का अध्ययन किया जाता है। तो 2 कैंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मछली निम्नलिखित में किसकी सहायता से सांस लेती है, जो मछली होती है किसकी सहायता से सांस लेती है? ये किसकी सहायता से लेती है? तो गिल की सहायता से सांस लेती है। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक बात याद रखिएगा, मछली में डॉल्फिन और व्हेल नहीं आता, क्योंकि यह स्तनधारी प्राणी में आ जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसे भूलना नहीं होगा। अगर आपको कोई कहे कि मछली है क्या व्हेल मछली या डॉल्फिन, तो नहीं, वो स्तनधारी में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक निर्मित तंतु है, निर्मित तंतु की मानव द्वारा यह निर्मित तंतु है, ठीक, इसमें से ये कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये रियान हो जाएगा, रियान। बाकी ऊन, रेशम, कपास ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, ठीक। बाकी रियान जो है ये निर्मित तंतु है। तो 4 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं क्या हो जाता है, अधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर के श्वेत रक्त कणिकाएं का क्या हो जाता है? आकार बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाता है? आकार बड़ी हो जाती है, ठीक। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है WBC बोला जाता है उसे, और ये जो होती है बाहरी जो भी मतलब कि कीटाणु से रक्षा करती है, शरीर की संरक्षक के रूप में काम करती है, प्रतिरक्षक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव रक्त का pH कितना होता है, जो मानव रक्त होता है ये भी पूछा था कि क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, तो ये कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 कहने का मतलब कि ये क्षारीय, क्योंकि 7 से ऊपर और 14 के बीच में क्या होता है? क्षारीय होता है, और 7 के नीचे 0 से लेकर 7 के बीच में अम्लीय होता है, और अगर 7 रहे तो उदासीन रहता है pH स्केल पर ये आपको मापा जाता है, ठीक। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, कीट किससे संबंधित है ये आपको बताना है। कीट इसमें से किससे संबंधित है? तो कीट आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। किससे? आर्थ्रोपोडा से। लगभग 90% जो भी जंतु पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोडा से पाए जाते हैं, कीट उट। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट जीवाणुओं को नाश करता है, जो पेट में जीवाणु रहते हैं उनके नाश करता है ये आपको बताना है। कि मैं छोटा इसे कर देता हूँ, अब ये बताइए, ये HCl होता है। कौन है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु समानता पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु होते हैं ये समानता पाए जाते हैं ये आपको बताना है। ये ल्यूमिनियस पौधे में पाए जाते हैं, चना उना के पौधे में राइजोबियम जीवाणु, जो आप जैसे सुने होंगे, ठीक, जो नाइट्रोजन मुक्त करता है, ये ल्यूमिनियस पौधों में पाए जाते हैं, ठीक, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु। इनका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, जो हाइड्रोफोबिया बीमारी है ये किससे होती है बताना है आपको। तो रेबीज वायरस से होती है, ठीक, रेबीज से होती है। और रेबीज कैसे होती है? तो अगर पागल कुत्ता आपको काट लेता है तो हो जाता है। और हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि पानी से डर लगने लगता है, और कभी कभी लोग कुत्ते की तरह व्यवहार भी करने लगते हैं, ये कुत्ता काटने से होता है, और एक रेबीज वायरस होता है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए कि मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है, जो पथरी होती है, पथरी वाला बीमारी, ये मनुष्य के शरीर में पथरी कैसे बनती है ये आपको बताना है। तो ब्रिक के पोलविन में ऑक्जेलेट जैसे लौड़ों के क्रिस्टलों से बनती है। तो ऑक्जेलेट जो होते हैं, ऑक्जेलेट मुख्यतः इसमें होते हैं, ऑप्शन में मात्र ऑक्जेलेट भी दे सकता है, याद रखिएगा, इसी से आपको क्या होता है? पथरी बनती है, ठीक। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि नामकरण की दुर्नाम पद्धति के प्रस्तावक थे, ये आपको दरोगा में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और BPSC में भी, ठीक। तो जो दुर्नाम पद्धति थे ये इसके प्रस्तावक कौन थे ये बताना है आपको। दुनाम पद्धति के प्रस्ताव, तो कॉर्नेलियस थे, कॉर्नेलियस ये दुनाम पद्धति के
प्रस्तावक थे। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वर्गीकी के पिता भी कहा जाता है कोलरस लिनियस को। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सुगंधित पुष्पों में परागकरण किसके द्वारा होता है। जो सुगंधित पुष्प होते हैं उसमें जो परागकण होता है ये किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। ये कीटों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये कोशिका के ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये किसमें अनुपस्थित रहता है, ये आपको बताना है। ये जीवाणु में अनुपस्थित रहता है। ठीक, नहीं रहता है, जीवाणु में अनुपस्थित रहता है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबको लास्ट में अपना स्कोर बताना है और एक लास्ट में एक सवाल भी आपके लिए। तो सारा वीडियो देखिएगा, सभी से है विज्ञान में क्वेश्चन जो है। पहले क्वेश्चन नंबर 15 के रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। जो रेगिस्तान है, रेगिस्तानी क्षेत्र में, वहाँ पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो जीरोफाइटस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीरोफाइटस कहलाते हैं। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है या पारिस्थितिक तंत्र है। सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र ये पूछ रहा है, कौन है, तो ये महासागर है। कौन है, महासागर है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर है। मारियाना ट्रेंच इसका सबसे गहरी खाई है पृथ्वी पर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैगनी किरणें से होता है। अगर सूरज से आने वाली जो हानिकारक परावैगनी किरण होती है उससे क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इससे त्वचा के कैंसर हो सकते हैं। ठीक, त्वचा के कैंसर, इसको इससे रोकता कौन है, तो ये जो अपना ओजोन लेयर है ना, O3 जो समताप मंडल में है, वही इससे सुरक्षा करता है हानिकारक परावैगनी किरण से। तो ओजोन लेयर जैसे जैसे खत्म हो रहा है, ये आपका संभावना जताया जा रहा है कि ऐसे किरण आएगी तो त्वचा कैंसर बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लीगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। जो लीगामेंट क्या करती है, लीगामेंट क्या है, तो ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती है, इसकी अस्थि से अस्थि को जोड़ती है। ठीक, तो 18 कैंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है। लब डब आवाज आती है, ये किस अंग से संबंधित है आपको बताना है। ये हृदय से आती है, हृदय से। ठीक, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पीलिया रोग से प्रभावित करता है। पीलिया रोग जो है ये किसको प्रभावित करता है। ठीक, ये आपको बताना है, पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है, ये यकृत को प्रभावित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तत्व के रासायनिक जो गुण है वो इसमें से कौन तय करता है आपको बताना है। आपको पता है कि कोई भी परमाणु के जो परमाणु होते हैं उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक, और किनारे जो मिलते हैं ये इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो जो रासायनिक गुण होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारण करता है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL स्थित है। जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है NCL, ये कहाँ पर स्थित है भारत में, ये आपको बताना है। ये पुणे में स्थित है, पुणे में ये स्थित है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि आप अगर आज आप जरूर ये देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। कल मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा, ये जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर आपके एग्जाम में आएगा दरोगा के। सोडियम को किसमें रखकर सिंचित किया जाता है। जो सोडियम होता है, सोडियम इसे आप अच्छे से चाकू से भी काट सकते हैं, बहुत ही मुलायम होता है, लेकिन किसमें रखकर संचित किया जाता है ये आपको बताना है। तो मिट्टी के तेल में, अगर मिट्टी के तेल से बाहर निकालते हैं तो जल्दी से इसमें आग धर लेता है। ठीक, तो इसी में ये रखा जाता है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं कि ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उनमें दो द्रव्यमान संख्या होती है वो समान होती है। कल मैंने आपको समस्थानिक के बारे में बताया था, वो क्वेश्चन आया था दरोगा में समस्थानिक का। अब संभारिक समझ लीजिए। संभारिक में क्या होता है, जिसमें द्रव्यमान संख्या में इसकी भार जो होता है वो समान होता है। संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर डी हो जाएगा। और जो समस्थानिक होता है उसमें परमाणु संख्या समान होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पुराने शैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम आता है। अगर पुराने शैल चित्र है तो उसे फिर से उभारने के लिए इसमें से कौन सा काम आता है, ये आपको बताना है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड काम आता है। क्या आता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड काम आता है। ठीक, तो 25 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली
अक्रिय गैस कौन सी है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, ये आपको बताना है। ये आर्गन है। कौन सी है? आर्गन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में किया जाता है? पुर्जों के काम में आता है, हवाई जहाज ज्यादातर रेल के डिब्बों में, देखिएगा ये कौन सा है, तो ये आपको बताना है। ये आप देखिएगा कि इसका बर्तन भी बना रहता है क्योंकि ये भाप के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं कर पाता है, ठंडा गर्म दोनों के साथ। ये कौन है? एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम है, ठीक। तो 27 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, तांबा तथा जस्ता मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता मिश्रण तो क्या बनाता है, कौन से, ठीक, ये आपको बताना है। तांबा जस्ता मिश्रण है, इसमें से कौन से किसका मिश्रण है, यह बताना है आप। ये पीतल का मिश्रण है। किसका है? पीतल का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 28-29 है कि अक्रिय तत्व जो होते हैं, जो निष्क्रिय भी अक्रिय बोला जाता है, किस तत्व को समूह में रखा जाता है, किस समूह में इस सदस्य को रखा गया है, ये आपको बताना है। ये शून्य समूह में रखे गए हैं। किस समूह में? शून्य समूह में। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अक्रिय तत्व। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मोनोजाइट अयस्क है, मोनोजाइट किसका अयस्क है, ये आपको बताना है। जो मोनोजाइट है ये किसका अयस्क है, ठीक। मोनोजाइट अयस्क किसका है? ये थोरियम का अयस्क है। किसका है? थोरियम का। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है, जो वायुमंडलीय दाब को मापता है वो कौन से आवश्यक यंत्र है, ये आपको बताना है। ये बैरोमापी होता है, ठीक। बैरोमापी या बैरोमीटर, अगर आंधी तूफान आता है तो एकाएक इसका क्या होता है, गिर जाता है पठान के। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि न्यूटन की ग्रह मात्रक है, न्यूटन की ग्रह, देखिए न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है, ठीक। किग्रा किसका है? बाई किग्रा मास का है। बल बराबर क्या होता है? एफ, एफ का कैसे निकाल सकते हैं? एफ बराबर क्या होता है? एम मास इंटू एक्सीलेशन, बटा में फिर एम है, एम से ये कट जाएगा तो क्या निकल कर आ जाएगा? मात्र आपका एक्सीलेशन। तो न्यूटन प्रति किग्रा जो मात्रक है ये किसका है? त्वरण का, एक्सीलेशन का है, ठीक। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट मैं यहाँ डाल दिया हूँ, ये जो है ये न्यूटन जो होता है, ये न्यूटन प्रति जो के जी है, ये सही मात्रक है त्वरण का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान पूछता है तो क्या होता है? शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी के बीचों बीच वाला रेखा, इस पर जी का मान न्यूनतम होता है, ठीक। अब देखिए ऊंचाई के इस पर जी का मान घटता है और पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है, ऊपर भी और अंदर भी, ठीक। पृथ्वी की सतह पर जी का मान महत्तम होता है, ठीक। पृथ्वी की सतह पर महत्तम होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जी का मान 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है, इसलिए भार भी 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इतना फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, जब कोई वस्तु दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? जो समानांतर दर्पण होते हैं उनके बीच में कोई वस्तु रखा जाता है तो प्रतिबिंब कितने बनते हैं, ये आपको बताना है। तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। तो 33 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? जो डायनामाइट है इसका आविष्कार किसने किया था? इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार भी शुरुआत किया गया था, तो अल्फर्ड नोबेल द्वारा, अल्फर्ड नोबेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 के डी। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? जो अवतल लेंस है, ठीक, ये हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ये आपको बताना है। तो ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ट्रांसफॉर्मर के क्रोड बनाए के लिए निम्नलिखित पदार्थों में कौन से अधिक उपयुक्त होता है? अगर ट्रांसफॉर्मर का क्रोड बनाना होता है, ठीक, तो उसके लिए कौन से आपको सबसे अधिक उपयुक्त होता है इसमें से, ये आपको ऑप्शन में बताना है। ये कौन होता है? नर्म लोहा। जो नर्म लोहा होता है क्रोड बनाने के सबसे अच्छे उपयुक्त माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें अर्धचालक की तरह इस धातु का प्रयोग किया जाता है, ये कौन सा है? अर्धचालक, ये जर्मेनियम है। जर्मेनियम चिप उप बनाने में, जो मोबाइल का चिप, लैपटॉप का चिप उप जो होता है उसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक, और ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, कोई आदर्श वोल्टमीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, ये आपको बताना है। उसका प्रतिरोध असीमित होता है। कितना होता है? असीमित होता है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि ध्वनि का प्रभाव मानव
के कान में कितने समय तक रहता है, कोई भी ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये 1/10 सेकेंड तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक रहता है। ठीक, ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पर 40 है कि पृथ्वी का पलायन वेग होता है, पृथ्वी का पलायन वेग मीन्स की कोई वस्तु इस वेग से अगर ऊपर फेंका जाए पृथ्वी से, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पार करते हुए इनवर्स में चली जाएगी, मीन्स की बाहर वायुमंडल से निकलते हुए निकल जाएगी इसके गुरुत्वाकर्षण से। ये कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से कोई भी वस्तु ऊपर फेंका जाए तो वो बाहर निकल जाएगी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी पर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी जड़त्व का माप है, जो जड़त्व है इसे इसका माप इसमें से कौन है। ठीक, ये आपको बताना है। तो द्रव्यमान क्या है, एक जड़त्व का माप है इसमें से। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वायु की गति निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है, जो वायु की गति होती है ये किसके द्वारा मापी जाती है, ये आपको बताना है। ये एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। ठीक, एनीमोमीटर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। ठीक, किया जाता है या किया जा सकता है, इसके भौतिक रूप को स्पर्श किया जा सकता है, ये किस भाग को किया जा सकता है, तो ये हार्डवेयर को किया जा सकता है। ठीक, हार्डवेयर जैसे माउस हुआ, सीपीयू, ये सब जो बाहर से दिखाई देते हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं, ये सब हार्डवेयर होते हैं। 43 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, एलसीडी की खोज किसने की थी, जो एलसीडी है इसकी खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। एलसीडी की खोज किसने किया था, तो होफमन ला रोश द्वारा एलसीडी की खोज किया गया था। 44 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए, उत्प्लावी बल निर्भर करता है, जो उत्प्लावी बल है ये निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। उत्प्लावन वाला या उत्प्लावी बल आप कह सकते हैं इसे। ठीक, तो ये किस पर निर्भर करता है, तो विस्थापित तरल जो होते हैं उनके घनत्व पर, तो जितना विस्थापित तरल होगा उनके घनत्व जितना होंगे उस पर ही ये क्या करता है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से मापा जाता है, अगर समय के सूक्ष्म अंतर होता है बहुत, तो उसको सटीक रूप से किससे मापा जाता है, ये आपको बताना है। ये आपके चारों ऑप्शन रहा, तो क्वार्ट्ज कलांक द्वारा मापा जाता है, क्वार्ट्ज कलांक द्वारा। ठीक, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 46 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है कि पानी में हवा के बुलबुले के जैसा कार्य करेगा, पानी में हवा का जो बुलबुला होता है ये कैसा कार्य करता है, ये आपको बताना है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उभयतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं, ये कैसा कार्य करता है ये आप बताइए। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जरूर आपको आना चाहिए, कुछ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये अवतल लेंस की तरह काम करता है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, 47 का आंसर आपका हो जाएगा बी, बुलबुला जो होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि स्प्रिंग बैलेंस इनमें से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, जो स्प्रिंग बैलेंस है इनमें से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो ये हुक के नियम पर काम करता है, किसके, हुक के नियम पर काम करता है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश किस रंग दिखाई देता, अगर वायुमंडल नहीं होता है तो पृथ्वी से आकाश किस रंग से दिखाई देता। ठीक, ये काला रंग के दिखाई देता। ठीक, 49 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसे भी अंतरिक्ष यात्री को जाते हैं जब बाहर पृथ्वी के से बाहर निकलकर मिस की वायुमंडल से, तो उनको काला ही दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि शुष्क सेल है, शुष्क सेल कैसा है, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ सेल है, जो शुष्क सेल होता है ये कैसा सेल होता है, ये प्राथमिक सेल होता है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, 50 का आंसर ए हो जाएगा। अब आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया, और उसके साथ साथ ये बताना है आपके सामने आज का प्रश्न। कल मैंने प्रश्न पूछा था कि जो हीरा क्यों चमकता है, तो हीरा जो चमकता है, हीरा हुआ या टूटे हुए जो शीशे होते हैं, वो जो भी चमकता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, मीन्स की पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। बहुत लोग इसका जवाब अच्छे से दिए थे। ठीक, ये आज का क्वेश्चन है कि मानव शरीर के सबसे बड़ा और सबसे छोटा हड्डी कौन है, जो मानव शरीर है उसके सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।